हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम ब्लॉगर्स। आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं आपको नर्देश्वर धाम दिखाया जाएगा। मिलते हैं फिर आगे। हम सिरसा में चल रहे हैं दोस्तों। देखिए, हमारा आज का नया ब्लॉग शुरू हो गया है। जा रहे हैं बाइक से, थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए। अब आपको नर्देश्वर महाराज, बद्री महाराज दिखाया जाएगा थोड़ी देर में। मिलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये सिरिस्का पैलेस है। यहाँ पे वर्तमान में अभी गार्ड भाई से बात हुई, उन्होंने बोला कि ये थोड़ा अभी बंद है तो एक दो महीने लगेंगे इसको चालू होने में। तो आप कभी आए तो और भी, जैसे दुरानी की होटल है, टाइगर डैन है, काफी रेस्टोरेंट है यहाँ पे रुकने के लिए। आप कभी आइए तो देखिए एक बार ये सिरिस्का पैलेस, जरूर आइए। आपको सिरिस्का पैलेस में भी बहुत चीजें देखने को मिलेंगी दोस्तों। आपको बद्री महाराज जो वहाँ पे सिरिस्का में पड़ता है अलवर जिले में, वो भी दिखाया जाएगा आपको वहाँ पे। हम आज नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, कभी और देखेंगे। अगला ब्लॉक हमारा वहीं का होगा, लेकिन आप बता दें एक बार आपको कि सिरिस्का पैलेस में जो बद्री किराया है, वो बद्री किराया यही है, यहाँ से ही रूपारेल नदी निकलती है बद्री किराए से। तो दोस्तों कभी आइए आप बद्री किराए से, राइट साइड की ओर। जब थानागाजी की ओर से आएंगे आप या जयपुर से आएंगे तो आपको राइट साइड की ओर जाना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पे आपको स्वीट्स वगैरह भी मिलती है दोस्तों, ऐसे कोई वो। आप कभी आइए, यहाँ पे होटलें वगैरह अच्छी हैं, खाने पीने की व्यवस्था ठीक है, उत्तम व्यवस्था मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बर्फी का जो आपको गेट जो बर्फी महाराज जो जाता है वो ये रखता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पे जो सिरिस्का पैलेस में, जो सिरिस्का में घूमने आते हैं, वो यहीं का कलाकंद पसंद करते हैं। और अलवर जिले के कलाकंद को GI टैग मिलने वाला है दोस्तों, देखना। वो यहीं का कलाकंद है जो कि कन्हैया स्वीट्स के लिए प्रसिद्ध है। जो कन्हैया स्वीट्स है वो प्रसिद्ध है यहाँ की। और आपको जो तालवृक्ष पे जो रास्ता जा रहा है वो भी दिखाया जाएगा। कभी आप आइए तो यहाँ से तालवृक्ष भी जा सकते हैं। तालवृक्ष के लिए इधर से जाना पड़ेगा आपको। देखिए दोस्तों, अलवर जिले का कलाकंद यही जो शॉप है ये यही है दोस्तों, ये कन्हैया स्वीट्स। देखिए दोस्तों कैसे भीड़ लग रही है इस स्टोर में। और ये ताल वृक्ष के लिए जाता है, इधर से आप कभी आइए तो इधर से आप ताल वृक्ष के लिए भी जा सकते हैं दोस्तों। देखिए और चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। हम जो आपको नर्मदेश्वर हमारा जो मेन पॉइंट है आज का दृश्य दिखाया जाएगा आपको, वहीं पे चल रहे हैं दोस्तों। थोड़ा और इंतजार कीजिए 2 मिनट का। हाँ दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सिरिस्का पैलेस में, जो नर्मदेश्वर महाराज है वहाँ पे। आपको यहीं से आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इधर से जाने के लिए अब तैयार हैं। अब यहाँ पे बाइक वाइक खड़ी है गाइस। यहाँ पे देखो बहुत श्रद्धांजलि आते हैं देखने के लिए। देखो गाइस, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। 2 किलोमीटर की ऊपर रास्ता है, 2 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, आपको नर्मदेश्वर में नीचे कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा। ये देखिए आगे, अभी 1 किलोमीटर आगे हो रहे हैं। कभी आप भी आए, शानदार मजा आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे घूमने का आपको जंगलों में घूमने का मजा आएगा। और देखिए आप शानदार तरीके से क्या क्या देखने को मिलता है वहाँ पे। नर्मदेश्वर जो प्राचीन जो हमारे पुरातात्विक देवता है, उनकी आपको स्थापना मिलेगी। बताओ कैसा लगा आपको भाई साहब? इतना सुंदर लगा, इसकी कोई हद नहीं है। साक्षात शंकर भगवान रहते हैं वहाँ। हम बहुत लोग गए थे वहाँ, हमने दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाए और वापस आ गए। आप भी जा रहे हो वहाँ? हाँ जी, आप जाओ, बहुत अच्छी बात है। इधर से भी जाओ, इधर से भी रास्ता बहुत अच्छा है। आगे कुंड है 2-3 पानी के नहाने के, इधर से जाके इधर आने का रास्ता है। जो हमारे श्रद्धालु आए हैं वो भाई एक आपको भजन भी सुनाएगा इसमें, मतलब नर्मदेश्वर महाराज से संबंधित। तो आपके भाई का भजन सुनिए, एक शानदार सा भैया पेश करना आपका भजन। सीधो तो जावे च सारा जायो या गैलो, मैं भी देखूंगो पतला साई भोला नाथ को मेलो, भोला नाथ को मेलो। सीधो तो जा चर सीधो जावे च गैलो, पण मैं भी देखूंगो रे पतला साई भोला नाथ को मेलो, भोला नाथ को मेलो। बोल शंकर भगवान की जय। देखिए दोस्तों, श्रद्धालुओं का शानदार यहाँ पे रमजोड़ लगता है। भाई ने एक बहुत ही शानदार भगवान के लिए भजन सुनाया गया और आपको भी आगे दिखा के आपको सब चीजें बताई जाएंगी।
देखिए दोस्तों, नर्मदेश्वर महाराज के यहाँ पे पानी भी बहता है, बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा आपको पानी भी। आइए कभी, यहाँ पे दो तीन कुंड और भी ऊपर हैं भाई। आपको आपको दो बात बताएंगे नर्मदेश्वर महाराज के बारे में भाई, बोलना कैसा लगा आपको यहाँ पे देख के? बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या क्या चीजें यहाँ पे दर्शनीय स्थल देखने के लिए? शंकर भगवान मंदिर है वहाँ पे। अच्छा, और पूजा अर्चना कौन करते हैं, कहाँ का है, मतलब कौन सी जगह क्या है, बताइए थोड़ा इसके बारे में। घोड़े के अंदर है, वहाँ पे पांच सात महाराज जी की है। अच्छा अच्छा, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी हमारे वो आगे? देखिए दोस्तों, आपको एक झरना और मिलेगा यहाँ पे। एक झरना आपको पहले दिखा दिया गया था, एक दूसरा झरना और है। देखिए दोस्तों, आपको झरना दिखे अपने हमेशा पानी बहता है, तो जो कि पहाड़ों से आता है झरझर के, एकदम साफ क्लियर दृश्य देखने को मिलेगा नर्मदेश्वर के। कभी आइए तो आप यहीं पे देख सकते हैं, आप नहा भी सकते हैं, और पीने की तो व्यवस्था फुल है ही, आपको पता है। देखिए दोस्तों, आपको एक बाबा से मिलवाते हैं, जो भी नर्मदेश्वर महाराज के जाके आए हैं, बुजुर्ग आदमी है, वैसे हमारी संस्कृति का अच्छा मतलब रोल निभा रहा है बाबा ने, फेटा लगा के। बाबा बोले कैसा मंदिर लगा आपको ये? बढ़िया लगा भाई, बढ़िया। अच्छा, एक देख रहे स्थल है ना, मतलब बढ़िया स्थान है, शांतिपूर्ण माहौल है, और जंगल वंगल ठीक है वैसे? हरा भरा, बहुत बढ़िया हरा भरा है। कोई भी आ सकता है यहाँ पे, कोई भी देख सकता है? कोई भी देख सकता है, कोई गुनाह नहीं। ठीक है बाबा, धन्यवाद। कोई कोई टिकट वगैरह नहीं है ना बाबा? नहीं नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई टिकट नहीं। थैंक यू बाबा। देखिए आपको और भी दिखाई जाएगा, जहाँ पे पानी देखो इतने शानदार तरीके से पानी बह रहा है इधर से। श्रद्धालु बन रहे हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जिसपे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कानून नियम सरिस्का टाइगर डैन के अंदर का, सरिस्का पैलेस के अंदर आता है, और आप भी कभी घूमने आए तो देखिए यहाँ पे लिखा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू है। उक्त अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास, अर्थदंड अथवा दोनों का प्रावधान होगा। आज्ञा से उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का अलवर। हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फाड़ देखिए एकदम सीधा बिल्कुल स्ट्रेट में खड़ा हुआ है, जो कि कितनी अंगड़ाइयां लेके खड़ा हुआ है, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तरह कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए, ऐसा ही दुर्गा आपको देखने को, जैसे वो दुर्ग है उसी हिसाब से आपको ये पहाड़ देखने को मिलेगा। देखिये दोस्तों, बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट, पता नहीं प्रकृति ने कैसा दृश्य रचाया है। देखो पानी सुंदर, एकदम शानदार नजारा। देखिए दोस्तों, कभी आप आइए एक बार, आपको देखने का बिल्कुल इंटेंशन खत्म हो जाएगा कि और कहीं जाने का मन नहीं करेगा। मनाली जैसा व्यू जा रहा है यहाँ पे, आइए आप कभी। देखिए दोस्तों, शानदार व्यू जा रहा है, शानदार एक नंबर। बोल। हेलो दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे कुंड भी दिखाया जाएगा। कुंड में देखिए शानदार पानी कैसे जैसे पहाड़ों से आता हुआ दिख रहा नजर आ रहा है, बिल्कुल एकदम निर्जल पानी है। अभी आओ देखिए, पानी बह रहा है एकदम से, श्रद्धालु लोग नहा रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना शानदार व्यू है, एकदम को जाऊंगा। देखिए गाइस, ये आपको कुंड दिखा रहा है, कुंड है ये, देखो कितना शानदार व्यू आ रहा है इसका। ये बच्चे नहा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बच्चे हाथ कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राशन पानी ला सकते हैं दोस्तों, आपको बंदर भी लाए जाएंगे देखने को मिलेंगे यहाँ पे।
बंदर आराम से कीड़े वाला घर है, आप यहाँ पे जा सकते हैं इनके लिए भोजन पानी, क्योंकि यहाँ पे अभी जंगल में कुछ ऐसा फल फ्रूट वगैरह। अंकल जी बताओ कैसा लगा आपको यहाँ पे यहाँ का नजारा? ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। देखो दोस्तों ये यहाँ पे कुंड है, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से नहा भी सकते हैं। बताओ अंकल जी कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा अंकल जी। लग रहे अंकल जी देखिए भाई साहब, भाई साहब ने जिंदगी का सबसे बड़ा मजा यहीं पे ले लिया, आज आके नाला के मसल मसल के नहा रहे हैं। देखिए चारों धामों का यही, चारों धामों का यही है भाई। हाँ ये देखो भाई साहब, ये श्रीनगर की जल झील है, ये श्रीनगर की नहीं है, ये अलवर जिले में सरिस्का पैलेस में बहने वाले नर्मदेश्वर महादेव का कुंड है भैया। नर्मदेश्वर महादेव में भगवान शिव की समर्पित ये मंदिर है, यहाँ पे अलवर जिले की आत्माओं में बसता है, जो कि यहाँ पे बर्तरी की तपोभूमि भी पास में पड़ती है। ये आपको नर्मदेश्वर महाराज जी के दर्शन कराए जाएंगे। अभी हम बिल्कुल संपूर्ण तरीके से यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। भाई साहब आपको बताएंगे कैसा लगा मंदिर? मंदिर बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, देखने लायक स्थल है? हाँ तो भाई साहब ने बता दिया कि मंदिर अच्छा है, यहाँ पे देखने लायक स्थल है, बहुत से श्रद्धालु लोग आते हैं। ये 18वीं सदी में बनाया गया मंदिर है, यहाँ पे औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़वाया जा रहा था, उस टाइम यहाँ पे भगवान शिव को इसी गुफा में लाके रखा गया था। तो ये एक यहाँ पे शिवरात्रि के दिन मेला अर्चना भी लगता है दोस्तों, कभी आइए आप भी देखिए अगर आपको टाइम मिले तो। श्रद्धालु गणों का सिलसिला लगा हुआ है, बहुत ही प्राकृतिक शानदार दृश्य, एकदम प्रकृति की लालिमाओं में समाया हुआ मंदिर, पहाड़ों के अंदर जो कि सरिस्का पैलेस में जो अलवर जिले की आत्मा बसती है, यहाँ पे देखिए आप भगवान के दर्शन कीजिए। देखिए दोस्तों ये है शिव, भगवान शिव को समर्पित मंदिर नर्मदेश्वर में। देखिए दोस्तों ये है भगवान नर्मदेश्वर बाबा का मंदिर। यह है दोस्तों, देखिए भगवान शिवलिंग जो मैन शिवलिंग है ये इसके अंदर है, क्योंकि गुफा में करवा के रखा गया था इसको, और यहाँ पे इसकी पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों आपको भगवान शिव का जो आप नर्मदेश्वर महाराज है उसका सारा व्यू दिख गया है आपको, पूर्ण तरीके से यहाँ पे ला तो आपको छोड़ दिया गया है, और यहाँ पे शिवलिंग है उसकी गुफा के अंदर है, अभी भक्तगण वहाँ पे लगे हुए हैं, वो भी आपको दृश्य दिखाया जाएगा, लेकिन आपको कैमरे में साफ नहीं दिखा सकते, थोड़ा देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, पास पास में कैमरा थोड़ा दूर रहेगा, और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से रास्ता लंबी दूरी तय करके आना पड़ता है, जो कि अलवर जो मैन जयपुर आई हुई है उससे कम 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये। बताओ आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, बहुत खुशी हुई, पार्क के अंदर बड़ी आनंद आया, हरियाली देख के बहुत खुश हुआ, और मैं तुम्हारा से ये प्रार्थना करता हूँ कि हर साल मैं यहाँ आता रहूँ, घूमता रहूँ, नहाता रहूँ। हर श्रद्धालु के लिए ये मनोकामना है कि वो हमेशा एक बार आने के बाद में वो खुद ये सोचता है आगे से कि मैं बार बार यहाँ पे आता रहूँ, क्योंकि यहाँ पे देखने लायक दृश्य मतलब कुछ ऐसा ही आनंद फील होता है जैसे आप कहीं पे विदेश में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ों के बीच में भगवान शिव को समर्पित नर्मदेश्वर महादेव जी हैं, जो लोगों की दूर खींचते हैं, भगवान लोगों का श्रद्धालुओं का यहाँ पे सिलसिला लगा रहता है, कभी आप भी आइए देखिए, और बहुत ही शानदार मनमोहक दृश्य। धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद।